बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज संडे है और आज 31st of October है, सो टुडे इज़ द हैलोवीन डे। तो अभी सब लोग जाएंगे कैंडी वगैरह लेने, ट्रिक और ट्रीटिंग जाएंगे, ड्रेस अप होंगे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे लोग किस तरह से ट्रिक और ट्रीट करने जाते हैं। लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं आपको अपना गार्डन दिखा लूँ, माई फ्रूट स्लैश वेजिटेबल गार्डन, विच वॉज अ कम्प्लीट फेलियर। So, ये मैं भी कैमरे को टर्न अराउंड करती हूँ। जी ये देखें, ये इधर मैंने खरबूजे लगाए थे, वो लग तो गए, लेकिन आई गेस यहाँ पे इनफ धूप नहीं आती थी, तो जिसकी वजह से ये कभी खाने के काबिल नहीं हुए। वी नेवर गॉट टू ईट देम। सेम थिंग विद माई टमेटोज। ये देखें, ये टमाटर लगे इतने बड़े बड़े, सी राइट हियर, ऐसे इधर भी, और ये पीछे भी बहुत सारे टमाटर लगे थे, तो ये कभी भी दे नेवर राइप्ड, क्योंकि वो यहाँ पे इनफ धूप नहीं आती। और वो कुछ जो पक गए थे वो उस वक्त पक गए जब उनको कीड़ा लग चुका था, और वो वैसे ही खाने के काबिल नहीं थे। तो इधर भी बहुत सारे टमाटर लगे खड़े हैं, लेकिन इनको धूप नहीं लगती, तो इसको हम पका के खा नहीं सकते फॉर सम रीज़न, और हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब तो क्योंकि विंटर आ रहा है, तो ये सारी बेलें वगैरह जो हैं मेरी, ये अब मरने वाली हैं, दे आर अबाउट टू डाई, एंड आई एम सो सैड कि मेरे खरबूजे लगे और मैं उनको इंजॉय नहीं कर सकी। और ये शायद मैं आपको पहले में भी दिखाया भी हो, मुझे नहीं याद। यहाँ पे हमारी ग्रिल आएगी, जो कि अभी तक आई नहीं है, अभी समर में लेंगे हम लोग, ताकि हम बारबेक्यू वगैरह कर सकें। एंड दिस इज़ माई फायर पिट, तो वी डू टर्न इट ऑन सम टाइम्स। अब क्योंकि मौसम ठंडा है, तो कभी कभी हम यहाँ बैठ के इसको सेकते हैं दोपहर में, कभी अगर धूप में बैठना हो, अगर बारिश ना हो रही हो, वरना तो आपको पता है पिट्सबर्ग में हर वक्त बारिश ही होती रहती है। एंड दीज आर माई इनडोर प्लांट्स। तो ये समर में मैंने बाहर रखे हुए थे, ये मुझे मेरे जब हम यहाँ पे मूव हुए थे, तो वन ऑफ माई नेबर्स गेव इट टू मी एज अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट। ये रात की रानी का पौधा है, इसके ऊपर ये इस तरह के छोटे छोटे वाइट फूल लगते हैं, और ये रात को इनकी बहुत ही खूबसूरत स्मेल आती है। तो ये मेरी छोटी बहन आई थी मुझसे मिलने, सो शी ब्रॉट इट फॉर मी एज अ हाउस वार्मिंग प्रेजेंट। और इधर कुछ और प्लांट्स पड़े हैं, ये एलोवेरा का प्लांट है, जिसको उर्दू में कुआर कहते हैं, तो ये भी मेरी छोटी बहन लेके आई थी मेरे लिए ऑल्बनी से। ये एक लेमन का पौधा है, इसको भी, ये भी मेरी छोटी बहन लेके आई थी। और ये एक प्लांट है जो मेरे रियल स्टेट एजेंट ने मुझे गिफ्ट किया था व्हेन वी क्लोज्ड ऑन आवर हाउस। और ये मोतिया का फूल है, मेरा फेवरेट, ये भी मेरी सिस्टर लेके आई थी जब वो मुझे मिलने आई थी, तो शी ब्रॉट इट फॉर मी एज अ हाउस वार्मिंग प्रेजेंट। तो ये सारे प्लांट्स हैं मेरे पास। एंड ऑल्सो आई हैव मिंट, तो आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा, जब मैं करीब जाऊंगी तो आपको नज़र आएगा। तो माय सिस्टर व्हेन शी केम फ्रॉम ऑल्बनी टू विजिट मी, शी ब्रॉट दीज मिंट प्लांट्स फॉर मी। ये देखिए, ये मैंने लगाए थे, मैं यहाँ से रोज़ाना मिंट तोड़ती हूँ, जब भी मैं कुछ पकाऊँ, जैसे बिरयानी पुलाव या टिक्का वगैरह बनाऊँ, तो मैं यहाँ से तोड़ के ले जाती हूँ और मैं इसकी चटनी बनाती हूँ। तो ये देखें, ये सारा अब स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि विंटर है तो इसके ऊपर लीव्स इतने ज़्यादा नहीं है। ये अब दोबारा जब स्प्रिंग या समर आएगा, तो इसके ऊपर फिर बहुत सारे पत्ते निकल आएंगे, और इसको फिर जो है मैं यूज़ कर सकूँगी। जी व्यूअर्स, तो ये था मेरा छोटा सा गार्डन, जो कि आप देख सकते हैं कि इट्स अ कम्प्लीट फेलियर एक्सेप्ट फॉर द मिंट। मिंट इज़ डूइंग फाइन, उसको मैंने बहुत दफ़ा यूज़ भी किया है। आई मीन आई शुड से कि मेरा जो खरबूजे और टमाटर थे, दैट वॉज अ फेलियर, इट वॉज़न्ट, बस वो यहाँ पे क्योंकि इतनी धूप नहीं लगी उनको, तो उस वजह से जो है वो हम उनका फल खा नहीं सके, वो टाइम पे रेडी नहीं हुआ हमारे लिए पक के। तो चलें, अभी जब थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, शाम हो जाएगी, तो हम लोग ट्रिक और ट्रीटिंग जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे किस तरह से कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन के और यहाँ पर आते हैं, और फिर वो कैंडी वगैरह मांगते हैं। पीपल आर वेरी जेनरस, दे गिव देम वेरी नाइस कैंडीज जेनरसली, सो We'll go trick or treating together. जी आज हैलोवीन है, तो ये देखें बच्चे ट्रिक और ट्रीटिंग कर रहे हैं।
आप जब हालोवीन होती है तो अगर आप लाइट्स वगैरह ऑन रखें तो बच्चों को पता होता है कि इस घर से कैंडी मिलेगी, तो फिर वो आते हैं. यू कैन रिंग द बेल, शी प्रॉब्ली कांट हियर यू. तो फिर आप उनको कैंडी हैंड आउट करते हो. तो मेरी बेटी जो है वो अभी कैंडी हैंड आउट करेगी बच्चों को. जी अभी इस रास्ते से मैं वॉक करने जाती हूँ, तो अभी मैं वॉक करने जा रही हूँ और रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी, लोग बहुत सारी ट्रिक और ट्रीटिंग भी कर रहे होंगे. तो यू कैन सी देम, बच्चे बहुत प्यारे प्यारे कॉस्ट्यूम्स उन्होंने पहने होते हैं. देयर बिकम अनदर कैरेक्टर ऑफ देयर चॉइस. पता नहीं अभी आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, आगे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं ग्रुप्स में. एंड दे आर ऑल गोइंग टू पीपल्स हाउसेस आस्किंग फॉर कैंडीज. दे आर ड्रेस्ड अप इन टू डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, ट्राइंग टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट मूवीज और कार्टून्स और or you name it, they just become everything, witches and clowns and monsters and they could be anything. So sare bacche bas aa rahe hain, logon ke gharon mein jaate hain, knock karte hain aur phir hum logon ko candies dete hain. To ye jab shaam ko ghar jayenge to inki pockets ya thaile ya sacks bhare hue hote hain candies ke sath, aur ye pura saal khate hain bacche and they enjoy it very much. इवन बड़ों ने भी कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं. अब ये देख लें आप, बूढ़े पेरेंट्स जो हैं वो भी कॉस्ट्यूम्स में फिर रहे हैं. समटाइम्स दे बिकम समथिंग टू लाइक शेफ्स एंड नर्सेस एंड नैनीज और बेबी सिटर्स. ये आप आगे देखें, काफ़ी स्टीप हिल है और इसके ऊपर मैं चढ़ के जाऊंगी तो आल बी वेरी वेरी आउट ऑफ ब्रेथ. और आइडिया ये होता है कि जिस घर के सामने लाइट्स जल रही हैं और उनकी हालोवीन की डेकोरेशन पड़ी है तो वहाँ से आपको कैंडी मिलेगी. अगर किसी ने लाइट्स ऑफ की हुई हैं, कर्टन्स बंद किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट ओपन फॉर हालोवीन कैंडीज और ट्रिक और ट्रीटिंग. तो ये देखें, समटाइम्स लोग कैंडीज बाहर रख देते हैं टेबल्स पे, जिनके अपने बच्चे भी होते हैं तो उन्हें अपने बच्चों को लेके जाना होता है, फिर वो दूसरे बच्चों के लिए अपने घर के सामने रख जाते हैं ताकि जो भी बच्चा आएगा वो एक एक कैंडी उठा लेगा यहाँ से. जी ये देखें, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेंस हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे ऊपर 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 घर जाते हैं. तो यहाँ पर वॉक करना भी काफ़ी आपको थका देता है. See, look at this, they have signs up, toddlers friendly treats and then kids ages 5 plus friendly treats. So they have two separate buckets, one for little kids, one for big kids. So kids can come in and pick one candy of their choice from one of these buckets. So ye ek bachchi ja rahi hai, iska costume hai ki she's being kidnapped. Anyways, this is how we trick or treat on Thanksgiving. I mean, not Thanksgiving, sorry. At Halloween.
Alright guys, I'm going to end my vlog right here because it's Maghrib time. I'm going to go home and pray my Maghrib Salah. My kids do not want me to record their video. My son is going trick-or-treating with his dad. So they'll be home late because he goes to every single house in the neighborhood and brings home a full sack of candies. वो pillowcase ले जाता है और उसको भर के ले आता है every year. तो पहले तो मेरी बेटी भी जाती थी पर इस साल उसने कहा है कि she's not gonna go, rather she'll hand out the candies. तो वो आपको मैंने थोड़ा सा दिखाया था शुरू में कि वो बच्चों को candies दे रही है, इस दफा खुद लेने नहीं गई. चलें, stay blessed और अपनी दुआ में याद रखिए. आप सबका हामी और नासिर हो. इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात करेंगे. अल्लाह हाफिज़.